हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपका फेवरेट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद रीडिंग हो रही है। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैं आपको चैनल मैसेज दूंगी आपके पार्टनर की तरफ से, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं बताऊँगी इस रीडिंग में क्या आ रहा है। काफ़ी दिन बाद रीडिंग करने का रीज़न जो है वो ये है कि मैं थोड़ा सा इस वक्त वर्कलोड कम ले रही थी। मेडिटेशन में ज़्यादा ध्यान था इन दिनों मेरा, तो आप यूँ समझिए कि मैंने सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी के ऊपर किया हुआ था, जिस वजह से आपको इतने दिन से मेरी रीडिंग नहीं मिल रही थी। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि नहीं, अब रीडिंग कर देनी चाहिए। बहुत दिन हो गया, तो मुझे इंट्यूशन भी हुआ कि मैं चैनल मैसेज पे रीडिंग करूं, तो आपके लिए मैं रीडिंग लेके आ रही हूं। लाइफ में जब कोई मेजर चेंज आने वाला होता है ना, तो इस तरह से साइन किसी के भी साथ होते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरी लाइफ में भी अब न्यू चेंज आने वाला है, तो मैं भी उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, उसके लिए रेडी हो रही थी, ताकि यूनिवर्स मुझे ऐसी ब्लेसिंग दे कि वो जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने वाले हैं उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर रहूं। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबके सपोर्ट, आप सबकी प्रेयर की वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इस चैनल को सपोर्ट किया। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के बिना ये मुमकिन नहीं था। चलिए अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, चैनल मैसेज देते हैं आपको। चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उनका नाम ले लें, चाहे तो उनकी पिक्चर विजुलाइज करो, अपनी आंखों के सामने उनका चेहरा देखिए, ताकि बेस्ट आंसर आपको मेरी इस रीडिंग में मिले। जो भी सवाल आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर से। द स्टार इन रिवर्स, देख लेते हैं डेक मैंने कैसे पकड़ रखा है, आपको दिखा दूं। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सारे कार्ड्स मेरे अपराइट हैं, एक ही कार्ड था रिवर्स में जो निकला है, हम इसको एज इट इज़ ही यहाँ पे लेंगे। बट देखो, कभी भी रिवर्स कार्ड निकल आता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। इस वक्त ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो होपलेस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि जैसे इस कनेक्शन में कोई उम्मीद नहीं रही, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ट्रू मैसेज तो यही है, क्योंकि आपको भी पता है मैं कभी भी मैनिपुलेट करके रीडिंग नहीं देती, अच्छा अच्छा मैं नहीं बोलती। जैसे कार्ड जाते हैं मैं वैसा बोलती हूँ, साथ में सोल्यूशन भी देती हूँ। तो मेरा फर्स्ट वर्ड सुन के घबराना नहीं है कि हाँ होपलेस हो रहे हैं, उन्होंने हिम्मत खो दी है, आपको डाउन करना है। नहीं, आपको डाउन नहीं होना है, अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, आपकी रीडिंग पॉजिटिव ही आएगी, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। भले ही इस वक्त उनको लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो रहा है, थक गए हैं, ये एंड हो गया है, ये रिश्ते में कुछ नहीं बचा, ये उनका सोच है जो बदलती भी है वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। बट आज एज अ ह्यूमन मैं आप बोलूँगी कि हाँ, आज वो होपलेस है, नेगेटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। उनको लगता है कुछ नहीं है, दिमाग में बहुत ख्याल चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, क्लैरिटी कुछ नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। आज की एनर्जी में यही आ रहा है। अभी हम डिटेल में भी चेक करेंगे, इस रीडिंग को और आगे लेके जाते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए मैंने बोला ना हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो पॉजिटिव ही होता है, हर सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आ गया है, जो कि दिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है। आपके पार्टनर जहाँ पे भी हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ ट्रैक पे है। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाले के हाथ में आपने अपनी डोर पकड़ा दी है, तो घबराना किस बात का, वो लग कर नहीं पाएंगे।
अभी वो सोच रहे हैं कि आपको अलग कर देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, बट वो ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके साथ ही कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन वापस आएगा। अभी आप दोनों भले ही खुश नहीं हैं, अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, आप अलग ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से हो गया आप दोनों में कि ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो फिर से, क्योंकि वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फुलफिलमेंट नहीं मिल रही आपको अपने पार्टनर से, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा आपके पार्टनर को, आपसे नहीं मिल रहा, आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा, दोनों की ही कंडीशन मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है। आप भी मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो, दूर जाने के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप सैड भी हो क्योंकि सेपरेशन वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। आप सेपरेट होना नहीं चाहते लेकिन फिर भी डेस्टिनी है तो इस वजह से आपको इस रिलेशन में काफ़ी चैलेंजेस हमेशा से फेस करते रहने पड़े हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज भी कंडीशन वही सेम हो गई है आपकी कि आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को उस पार्टनर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि आपने ना बहुत इंतज़ार किया है, बहुत काम किया है, आप ऐसा भी सोच रहे हो कि काफ़ी टाइम हो गया है और कितना इंतज़ार करें। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, मुझे ये दिखाता है। साइन की अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं साइन, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस की, टॉरस तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है, इसके अलावा मुझे वाटर साइन में स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी नज़र आ रहा है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी है यहाँ पे, तो ये सारे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्यूरियस स्ट्रॉन्ग है, नाइन ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आ रही है, पॉजिटिव ही नज़र आते हो, भले ही सिचुएशन आपके लिए टफ़ है, होता है ना कि वक्त के साथ साथ हमको डील करना आ जाता है, हमको आदत पड़ जाती है, वही चीज़ें हैं कि अब आपके लिए चलने पहले जैसे मुश्किल हो जाया करता था उनका दूर हो जाना, आप एकदम से डिप्रेस हो जाते थे, अब आप उस एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करने लगे हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो। आप अभी भी इस वक्त आपको ये लग रहा है कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सेल्फ फोकस्ड करना चाहते हो, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपने आप को आप पॉजिटिव ही रख रहे हो। मुझे पेट वाली फीलिंग आ रही, हो सकता है आपने अभी पेट रखा है, उसकी केयर कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये मैसेज किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, सबके लिए नहीं है। दोनों की ही एनर्जी है, आपके पार्टनर को भी ऐसे ही महसूस होता है, जैसे आप अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हो ना, उनको भी वही चीज़ महसूस होती है कि आप उनको इग्नोर करते हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको उनकी अब वैल्यू नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। भले ही वो खुद ऐसा करते हैं लेकिन इस वक्त ऐसा है कि इल्ज़ाम सारे आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपकी गलती है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वांड्स, कॉन्फिडेंट आप रहिए, कॉन्फिडेंट में रहना ही सही है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो बिल्कुल बढ़िया। पेंटिकल, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो उलझे हुए हैं अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में, ये चैनल मैसेज आ रहा है। अपने फैमिली और करियर में उलझे हुए हैं, ईगो भी दिख रहा है उनके अंदर, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अगेन ईगो, माइंड उनका स्टेबल नहीं है इस वक्त, परेशान तो नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो उनकी लाइफ में हो, आपके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर उनका ध्यान है, मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज तो है ही डेफिनेटली। रोमांस एंजल से भी पूछ लेते हैं चैनल मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। ट्रस्ट
वो आज चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखो, ट्रस्ट की उम्मीद कर रहे हैं, जो उनको दिख नहीं रही है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और क्या चैनल मैसेज हैं? सोलमेट, वाह, उनको लगता है कि आपका उनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है। उनको इस चीज़ का एहसास है कि जो फीलिंग्स आपके लिए उनके मन में है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपसे दूर जाने की, वो इसी वजह से आपसे दूर जा नहीं पाते हैं। मेक द एफर्ट्स, बट उनके मन में कहीं ना कहीं देखिए वो होपलेस भी हो रहे हैं, ये दिखाते भी हैं, लेकिन जो हमको रोमांस एंजल से मैसेज आ रहे हैं वो एफर्ट करना भी चाहते हैं अभी भी इस रिश्ते पे, ताकि ये रिश्ता टूटे नहीं। क्योंकि जब जब आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं आप खुश महसूस नहीं करते हो, इस वजह से भी ऐसा आप फील कर रहे हो। न्यू लव बॉटम ऑफ द डेक, कोशिश तो करते हो आप भी कभी कभी कि न्यू बिगनिंग होगी, न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आए, आपके पार्टनर की लाइफ में आए, ताकि उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्योंकि आपकी डेस्टिनी के हिसाब से अभी आप दूर हो, अभी आप में सेपरेशन है, चाहे भी तो आप एक नहीं हो पाते, तो वो दर्द वो पेन आपको महसूस होता है। तो कभी कभी उस पेन से बाहर निकलने के लिए आप सोचते तो ज़रूर हो कि कोई न्यू पार्टनर आ जाए, जिसकी वजह से आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और आपके पार्टनर भी ऐसे सोच रहे हैं आजकल कि ऐसा हो जाएगा तो वो मूव ऑन हो पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मूव ऑन होने के लिए आप कर नहीं पाते हैं, वो चाहते हैं तो मूव ऑन होना, अभी भी आपसे हो नहीं रहा है मूव ऑन, आप कर नहीं पाते हो, सोचते ज़रूर हो, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस रिलेशनशिप में। तो ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं वो भी न्यू लव देखने की कोशिश करते हैं, न्यू ऑप्शंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप भी सोचते हैं कि अगर आप किसी और के साथ इंगेज्ड हो जाते हैं तो शायद आप इसको भूल पाओगे, बट आपका जो कनेक्शन है ना वो सोलमेट कनेक्शन है, डिस्टाइंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इतना ईजी नहीं होगा मूव ऑन हो पाना ऐसे अगर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो। वही चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं। तो अभी मैं चैनल मैसेज भी दे देती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं आज की रीडिंग में, जो भी कार्ड्स आए हैं जेंडर के ऊपर बेस्ड मेरी रीडिंग नहीं होगी, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। मैं हो सकता है रीडिंग में कुछ ऐसा बोल दूं, बट ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग मेरी सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए होती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप उस हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आंसर मेरी इस रीडिंग से लेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग देखते हैं, तो जैसी मुझे एनर्जी मिलती है उस हिसाब से मैं रीडिंग देती हूँ। मैं अब थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता है कि बार बार इस तरह के चैलेंजेस क्यों आते हैं। तुम्हारा मेरे ऊपर आजकल ध्यान नहीं है, तुमको ये लगता है कि तुमने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कर लिया है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये गलत है। मैंने भी बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक रखा है, बट तुम मुझे समझ नहीं रही हो, जिस वजह से अब मेरी हिम्मत टूटती नज़र आ रही है। इस रिलेशन से मैं खुद भी दूर हो जाना चाहता हूँ बट मुझसे हो नहीं पाता, वो इसलिए भी क्योंकि जो फीलिंग तुम्हारे लिए है वो कभी आज तक किसी और के लिए आती नहीं, जिस वजह से मैं बार बार तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाता हूँ। इंतज़ार बहुत टाइम से मैंने भी किया है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है तुमने भी इंतज़ार किया है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो चीज़ें उतनी स्मूथ चलती नहीं है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीज़ों को मुझे देखना है, मुझे अपने काम को देखना है, मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, तो जिस वजह से तुम्हारे साथ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कभी कभी कुछ सेक्रीफाइसेस भी होते हैं, जिससे पेन होता है, मुझे भी होता है, तुमको भी होता है, बट तुम मेरी सिचुएशन समझ नहीं रही हो।
मैं तुमको कितना समझाता हूँ लेकिन तुमको मेरे पे अब डाउट ही रहता है, मेरे पे अब शक ही रहता है। अब मैं भी फेड अप हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। तो कुछ भी हो अभी तो मेरा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मैं चाहता हूँ तुम ट्रस्ट करो बट तुमको अब शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती हो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। अभी भी एफ़र्ट्स मैं ले सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ही ऐसा लगता है कि तुमको मेरी अब ज़रूरत है नहीं। अब कुछ भी हो मैं तुम्हारे सामने अभी नहीं झुकूँगा। भले ही मुझे तुम्हारी याद आए, भले ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे पर ट्रस्ट करो या ना करो, अभी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ये चैनल मैसेज मुझे आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आपसे नाराज़ हैं। कुछ भी आर्गुमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, वो बातें उन्होंने दिल पे लगा के रख ली है। आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया है, यहाँ पे ऐसे ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, पहले नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको इस रीडिंग में नेक्स्ट एक्शन भी बताना था। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। करंट तो उन्होंने आपको जवाब दे दिया है, आपसे नाराज़ हैं, आपसे गुस्सा हैं, आपको मैसेज नहीं करेंगे। बट नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, ये एनर्जी कब बदलेगी, कब उनका एक्शन आएगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ गलतियाँ इन्होंने भी कर दी हैं, इनके अंदर गिल्ट आएगा, सॉरी बोलेंगे ये आपको। गिल्ट की एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में, ये जो कर रहे हैं इनको अपनी गलती का एहसास होगा, इस एनर्जी में आएंगे। बट फिर भी एक्शन नहीं आ रहा है, गलती ज़रूर समझ में आएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन फिर से। जस्टिस आपको चाहिए, जस्टिस, क्योंकि अब आप इनको कोई और मौका देना नहीं चाहते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप भी नाराज़ हैं इनसे। अगर उन्होंने आपसे आके माफ़ी नहीं मांगी, अपने आप को सुधारा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आप भी उनको कोई और मौका देंगे, क्योंकि अब आप हैं जस्टिस मोड में, उनको माफ़ी मांगनी होगी। तो इस तरह की ज़िद्द चल रही है आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में भी। बट ये पर्सन सॉरी बोलेंगे या नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों का एहसास हो इनको, आप ये चाहते हैं। जब तक इन्होंने एहसास नहीं किया, शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको और मौका नहीं दोगे, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन सॉरी तो नहीं बोलेगा बट लव ऑफ़र देंगे आपको फिर से, कि ये काफ़ी मिस करते हैं, आपकी याद आती है, ये बोलेंगे। ये पर्सन ना जल्दी सॉरी नहीं बोलते, आपको बोला ही नहीं होगा कभी, माफ़ी मांगी नहीं होगी। एहसास हो जाता है गलती का लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं मांगना है इनको आपसे। और यहाँ पे फायर साइन में एरिस लियो सेजिटेरियस भी है हमारे पास, और एयर साइन में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, ऑल साइन रीडिंग है। ये पर्सन डिप्रेस्ड अभी रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यहाँ पे भी द हर्मिट कार्ड है। अगर आप चाहते हैं, ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि इस पर्सन को कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा या नहीं, यस बिल्कुल होगा। और आपको इस मोड में ही रहना है, जस्टिस मोड में। ऐसा नहीं है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करो, कुछ भी मत बोलो, बट हाँ बिना बोले भी हम दूसरों को एहसास दिला सकते हैं कि हाँ आपने गलती की है, इस वजह से आपने बात करना बंद किया हो। ऐसा एहसास जब उनको होगा तो डेफिनेटली वो कम बैक करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में आया है, मूवमेंट भी आया है, जल्दी ही ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। सॉरी तो नहीं बोलेंगे बट आई मिस यू ऐसे ज़रूर बोलेंगे आपको इनके नेक्स्ट एक्शन में। जल्दी आएगा, जल्दी ही मैं बोलूँगी, ज़्यादा देर नहीं है कम बैक करने में, बहुत ही जल्दी, ये कुछ ही दिनों में कम बैक करने वाले हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे वापस। एंजल गाइडेंस दे देती हूँ आज के लिए, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा है, जो भी सिचुएशन है आपके अच्छे के लिए है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिल रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। एंजल आपको कोई इम्पोर्टेंट साइन दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके करियर की, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दो। ठीक है, नो आया है बॉटम ऑफ द डेक। अगर कोई ऐसा सवाल है आपने पूछा हो तो आंसर है नो। नो इसलिए भी आप
इस रिलेशन पे अभी भी गिव अप मत करो, ठीक है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आज की रीडिंग है आपके लिए गाइस, आपको अच्छी लगी है, इतने दिनों बाद रीडिंग की है तो लाइक भी आपको फिर देने हैं मेरी इस वीडियो पे। अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कीजिए मेरी इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह की वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपको देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।